लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद हिमाचल में आरोपों प्रत्यारोपों की राजनीति चरम पर है। एक तरफ भाजपा ने महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 रुपए के फॉर्म भरवाने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम ने भी इसी मसले को लेकर आज राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सीपीआईएम का कहना है कि महिलाओं को 1500 दिए जाने वाली योजना की नोटिफिकेशन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो चुकी है। वहीं सीपीआईएम के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि भाजपा महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 के फॉर्म भरे जाने का विरोध कर रही है, जो कि गलत है। भाजपा आरएसएस के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी मनुवादी सोच को दर्शा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यह फॉर्म लगातार भरे जाने चाहिए, जिससे महिलाओं को 1500 प्रति महीने मिल सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 27 मार्च को सीपीआईएम ब्लॉक, मंडल और तहसील स्तर पर प्रदर्शन करेगी।